हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम एवरेस्ट क्लासेस। आज इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट 18 के साथ हाजिर हूँ। इस पूरे लेक्चर को बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में प्रिपेयर किए जाते हैं, ताकि आपके जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आप सीख रहे हैं वो बहुत ही छोटे अमाउंट, यानी कि 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसे आप डे टू डे लाइफ में ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं और उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो पाएंगे। तो जल्दी से मैं बता दूं, इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस विद देयर इंग्लिश एंड हिंदी मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज़ बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी हालत में। द मीनिंग इज बाई एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, यानी किसी भी कंडीशन में आप किसी काम को जब कंप्लीट करना चाहते हैं, उसे करना चाहते हैं, चाहे किसी भी मींस में, या कहने का मतलब है किसी भी तरीके से उसे बस हासिल करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग बेसिकली जो यूज़ करते हैं जो इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो है आपके बाय हुक और बाय क्रुक। कमिंग टू द एग्जांपल दैट विल हेल्प यू टू हेल्प यू, दैट विल बी आई डिसाइडेड आई वॉज गोइंग टू गेट दैट जॉब बाय हुक और बाय क्रुक। मैंने डिसाइड कर लिया है कि वो जॉब को किसी भी हालत में मुझे ले लेना है या पा लेना है। सेकेंड वन इज बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स, मीन दिन दुगनी और रात चौगनी। बेसिकली आप जब सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेसफुल के करीब जाते हैं, तो इसे ही बोला जाता है कि दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, यानी कि वो रैपिड पेस से, यानी कि बहुत ही स्टडी वे में वो जो है अपने सक्सेसफुल जो आपके सक्सेसफुल हैं सक्सेसफुल सक्सेस हैं उसे वो अचीव कर रहा है बाई लिप्स एंड बॉन्ड्स। एग्जाम्पल इज द कंपनी इज ग्रोइंग बाई लिप्स एंड बॉन्ड दिस ईयर, इस साल कंपनी जो है वो रैपिड पेस से ग्रोथ कर रही है, यानी कि सक्सेस के करीब जा रही है। थर्ड वन इज बाय द स्किन ऑफ वन्स टीथ और बाय अ व्हिस्कर, मीन्स थोड़े से अंतराल में, जब कभी भी तो आप एक बहुत ही कम टाइम का जो आपके डिस्टेंस मिलता है, यानी कि टाइम मिल जाता है दो चीज़ों के बीच में, उसे थोड़े से अंतराल यानी कि इंटरवल्स में, उसे हम लोग बोलते हैं नैरोलिंग, और बाय हेयर ब्रेथ भी इसे बोल सकते हैं। एंड एग्जाम्पल इज ओ मैन माई कार डोंट स्टार्ट दिस मॉर्निंग, आई जस्ट मेड इट हेयर बाई द स्किन ऑफ माई टीथ। फोर्थ वन इज बाई लॉन्ग एड्स, मीन्स काफ़ी अंतर से, यानी कि वहाँ मैंने हम लोगों ने देखा उस वाले में कम अंतर से, यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस के साथ, बाई ग्रेट डिफरेंस। एंड द एग्जाम्पल इज दे वोन द मैच बाई लॉन्ग एड्स, यानी उन्होंने जो मैच वे लोग जो मैच जीते हैं वो बहुत ही काफ़ी अंतर से जीते हैं। फिफ्थ वन इज ब्रिक्स एंड मोर्टार, मीन्स भवन को हम लोग बेसिकली से समझते हैं, एंड द मीनिंग इज बिल्डिंग्स। एंड एग्जाम्पल इज ही इन्वेस्टेड इन ब्रिक्स एंड मोर्टार रैदर देन स्टॉक्स एंड शेयर, वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया सबसे ज़्यादा, कहाँ पे अपनी पूंजी लगाई, भवन में यानी कि बिल्डिंग्स में, कहाँ पे किसके रैदर देन स्टॉक्स एंड शेयर्स में लगाने की जगह उन्होंने बिल्डिंग्स में ज़्यादा अपने पैसे लगाए हैं। ये तो थे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेक्शन। अब हम लोग चलते हैं एवरेस्ट टारगेट आईएएस बैच जो है 64th बीपीएससी पीटी टारगेट बैच आर गोइंग ऑन, एंड द टाइमिंग इज 4 PM टू 7 PM। फॉर एनी क्वेरीज यू मे कॉल अस ऑन 9334-89006, 9334-89006। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़।